देख सकते हो आप लोगों का इंडियन कार से उसके साइड में भाई बाइक्स जो कि इंडियन बाइक्स है एंड ऑटो रिक्शा भी है एंड इधर है भाई अपना टैंक इंडियन टैंक एंड उस साइड है भाई इंडियन ट्रक एंड इंडियन बस एंड इस साइड पे है गाइस आप लोग देख सकते हो पाकिस्तानी कार्स देन यहाँ पर पाकिस्तानी बाइक देन यहाँ पर पाकिस्तानी ऑटो रिक्शा देन यहाँ पर भाई टैंक यहाँ पर पाकिस्तानी मतलब ट्रक है एंड पाकिस्तानी बस। तो भाई हम लोगों का जो गेम प्ले है भाई आज बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि आप लोग भाई यहाँ पर सामने रैम देख सकते हो हम लोग बहुत समय के बाद आ चुके हैं खतरनाक जंपिंग चैलेंज के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी कोई नॉर्मल जंप चैलेंज नहीं है भाई आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा भाई बम्प है यहाँ पर एंड भाई इस बम्प से होते हुए हम लोगों को जंप लगाना पड़ेगा जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो देखेंगे कौन सा गाड़ी कितना दूर तक जाके गिरता है जो जो गाड़ी सबसे आगे गिरेगा वहां पर हम लोग काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कितना क्या पॉइंट हुआ है एंड भाई वो कंट्री भाई विनर लिस्ट में आ जाएगा। तो देखते हैं भाई अभी लेते हैं हम लोगों का कोई एक इंडियन गाड़ी। सो गाइस अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेके चल रहे हैं भाई महिंद्रा थार 2021 मॉडल को। तो इसको भाई पहले लेके चलते हैं देखते भाई जंप चैलेंज कैसा क्या रहता है इस गाड़ी का। पहले गाड़ी को तो भाई एकदम खतरनाक तरीके से ले जाना ही पड़ेगा नहीं तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई महिंद्रा थार भाई सब भाई गिरे ना तो ही सही है भाई थोड़ा भी हम लोग जंप लेंगे एंड भाई यहाँ पर हम लोग थोड़ा पीछे कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी तो गिरी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा गाड़ी को सीधा करते हैं एंड भाई इधर से हम लोग जंप करवाएंगे गाड़ी को इतना तक ही सही है क्योंकि इससे ऊपर तो हम लोग जा नहीं पाएंगे एंड अभी लेंगे भाई जंप एंड भाई साहब इतना ही सिर्फ जंप था हम लोगों का एंड देख सकते हो आप लोग भाई थार के अंदर पावर बहुत ही खतरनाक वाला था इसके कारण भाई गाड़ी तो यहाँ तक आके गिरी है एंड आप लोग देख सकते हो थार यहाँ तक गिरी है। अभी लेते हैं भाई नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। तो गाइस जब हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेके चल रहे भाई BJ-40 जीप को तो देखते भाई इस जीप का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। खैर हम लोगों का थार तो बहुत ही सही परफॉर्म किया था एंड भाई इसका जो सस्पेंशन है ना भाई सही बता रहा हूँ भाई बहुत ही मस्त सस्पेंशन है आप लोग देख ही सकते हो एंड भाई यहाँ पर जाके गाड़ी भाई क्रैश हो गया एंड भाई वापस से सीधा भी हो गया एंड भाई गाड़ी गिर जा रही है भाई 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 बच जा यार नहीं भाई गाड़ी साइड से निकल चुकी है एंड भाई ये गाड़ी फेलियर इश्यू आ गई है। तो कोई बात नहीं भाई लेते अभी नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। और तो भाई जब हम लोग पाकिस्तान की तरफ लेकर चल रहे भाई अल्फा रोमियो को तो देख लेते भाई अल्फा रोमियो के अंदर कितना ज्यादा पावर है भाई। पावर तो भाई नो डाउट इस गाड़ी के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला है और गाड़ी भाई सही से जंप ले लगा तो भाई बहुत ही सही है लेकिन गाड़ी गिरना नहीं है भाई गिरना नहीं है। यहाँ पर आप लोग भाई साहब गाड़ी एकदम से यहाँ पर जंप ले लिया एकदम स्पीड बूस्ट के ऊपर था उसके कारण मैंने एक्सेलेटर भी दबा दिया। अरे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अल्फा रोमियो इधर जाके गिरी है लेकिन जंप तो किया है भाई वही सही बात है। तो अभी लेते हैं भाई नेक्स्ट को इंडियन गाड़ी। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई मैं इंडिया गाड़ी लेने का वजह से भाई मतलब हम लोग पाकिस्तानी गाड़ी लेके चला गया था मतलब गलती से लेकिन कोई बात नहीं भाई एक साथ दोनों चैलेंज हो गया। तो अभी हम लोग देखते भाई हम लोग का इंडिया का महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 भाई साहब गिरना नहीं है भाई। ओ भाई साहब यहाँ पर गाड़ी हम लोगों का क्रैश हो चुकी है भाई साहब थोड़ा बम के उस साइड गिर जाता ना भाई ये गाड़ी विनर लिस्ट पे आ सकती थी क्योंकि इसके अंदर पावर भाई बहुत ही खतरनाक वाला था। तो अभी लेते भाई हम लोगों का कोई एक इंडियन भाई। तो गाइस अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे भाई साहब KTM नहीं भाई R15 वर्जन 3। तो देखते भाई इंडिया का वर्जन 3। ओ भाई भाई बाइक चैलेंज क्या हो रही है भाई बम के ऊपर। ओ भाई खतरनाक वाला डर भी लग रही है मुझे। ओ भाई साहब यहाँ जाके गाड़ी गिर गया भाई साहब यहाँ जाके गाड़ी गिर गया नहीं तो यार सही निकलता लेकिन भाई यहाँ पर हम लोगों का जो कि मतलब V3 है भाई V3 यहाँ पर क्रैश हो चुकी है भाई आप लोग देख सकते हो भाई धुआं भी निकल रही है। तो गाइस ये गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ जाती है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोग का इंडिया का तो भाई R15 वर्जन 3 फेल हो गया था। तो अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं भाई पाकिस्तान की तरफ से भाई मतलब होंडा कंपनी का एक बाइक जो कि 125 cc का है। अभी देखते भाई इस बाइक का परफॉर्मेंस। ओ भाई डर लग रही है मुझे सच बता रहा हूँ भाई इस गाड़ी को चलाने के बाद। एंड भाई यहाँ पर जाके जो हम लोगों का गाड़ी भाई गिरी है ना भाई बहुत ही गलत सीन हो रही है आप लोगों ने देखा भाई यहाँ पर हम लोग का जो की भाई होंडा की पाकिस्तानी बाइक था ये गाड़ी भी फेलियर लिस्ट पे आ गया है। ये गाड़ी भी भाई बाहर चला गया। जब हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे KTM RC 390 एंड अभी हम लोगों ने सोच लिया भाई वो जो एंडिंग पॉइंट है ना वहां पर हम लोगों को थोड़ा सही से जाना पड़ेगा एकदम से जंप ले लेंगे वहां पर नहीं तो भाई बार बार क्रैश होता जा रही है। एंड भाई यहां पर जाके हम लोगों का KTM RC 390 क्रैश हो गया आप लोग देख सकते हो एंड भाई इस गाड़ी से भी भाई धुआं निकलने लगी है। तो गाइस ये गाड़ी भी फेलियर लिस्ट पे आ गया। और नहीं तो भाई जब हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे भाई निंजा
मतलब निंजा की कौन सा मॉडल है मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ गाइस गाड़ी बहुत ही सही गाड़ी है, पावर इसका भी बहुत सही है भाई, सब सही तो था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का निंजा भी गाइस फेलियर लिस्ट में आ गया है। एंड भाई हम लोगों को कितना भाई चोट लग रही है गेम के अंदर, तो यार रियल लाइफ से कंपेयर मत करना। एंड गाड़ी का भाई फ्यूल टैंक लीक हो चुकी है, तो जो भी है यार लेते हैं नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। और नहीं तो भाई तभी हम लोग लेके चल रहे भाई इंडिया की तरफ से भाई ऑटो रिक्शा, भाई सब क्या खतरनाक सीन होने वाली है भाई। मतलब ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। लेकिन 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 यहाँ पर क्या ही हो रही है भाई हम लोगों के साथ, भाई बहुत ही खत्म हुआ, देखो खुद ब खुद भाई खुद ब खुद चल रही है। तभी देखते हैं भाई गिर चुकी है, कोई बात नहीं भाई लेते हैं नेक्स्ट भाई पाकिस्तानी ऑटो रिक्शा। तो गाइस अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से ऑटो रिक्शा लेकर चल रहे हैं, अभी देखते भाई पाकिस्तान का ये वाला ऑटो रिक्शा कैसा परफॉर्म कर पाती है। भाई पहली बात में ये गाड़ी भाई का भाई मतलब क्या ही सीन हो। ओ भाई साहब कितना जोर से मैं गिरा, आप लोगों ने देखा भाई क्या खतरनाक सीन हो रही है यार। भाई केटीएम को देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला धुआं निकल रही है, यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद ही। देखते अभी लेते भाई नेक्स्ट इंडियन तो गाइस गाड़ी। अभी हम लोग वापस से लेकर चल रहे हैं भाई इंडियन कार जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो N2022 मॉडल है, तो देख लेते भाई हम लोग का नई नवेली स्कॉर्पियो कैसा परफॉर्म कर पाती है। भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी कंट्री को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है भाई। ये गेम है तो रियल लाइफ से कंपेयर मत करना गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों का स्कॉर्पियो एन, तो भाई स्पीड, वो भाई स्पीड बूस्ट पे अटक गया भाई साहब, स्पीड बूस्ट पे अटक गया। तो यहाँ पर जो भी अभी इसको भी भाई लेके चलते हैं जंप चैलेंज में, देख लेते हैं। ओ भाई सब खतरनाक वाला जंप ले लिया हम लोगों का इंडिया का महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने भी। एंड आप लोग देख सकते हो भाई साहब थार से जस्ट थोड़ा ही पीछे गिरी है गाड़ी यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर छोड़ते हैं भाई, लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे भाई साहब टोयोटा लैंड क्रूजर। एंड भाई बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल गाड़ी है, देख लेते हैं यहाँ पर लैंड क्रूजर कैसा परफॉर्म कर पाती है। फिलहाल जो गाड़ी सबसे आगे जाके गिरेगा भाई वही गाड़ी बिना लिस्ट में तो आएगा। अभी तक तो भाई हम लोगों का महिंद्रा थार ही है आगे। तो भाई स्लो हो जा यार, स्लो हो जा, स्लो हो जा, स्लो हो जाओ यार, स्लो 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 भाई साहब। मैं सब कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी भाई सही से चले भाई, ये भाई पलटी खोता ही जा रही है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई साहब खतरनाक वाला सीन हो रही है यहाँ पर, आप लोगों ने देख सकते हो भाई यहाँ पर। भाई रुक तो जाओ अभी, ओ भाई साहब अभी भाई इसको रुक जाओ, अभी तो रुक जाओ भाई साहब, यहाँ पर स्पीड बूस्ट पे तो अटक चुकी है, कोई बात गाड़ी को पहले मैं सीधा करता हूँ। लेकिन धजिया तो उड़ चुकी है गाड़ी का भाई साहब, यहाँ पर स्पीड हो गया था, अगर गिर जाता ना भाई खतरनाक वाला सीन हो जाता। तो इसको भाई इतना तक ही लेके चलते हैं भाई, अभी रिलीज करते हो भाई साहब, इसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। नहीं तो भाई गाड़ी सच बता रहा हूँ बहुत ही खतरनाक वाला जंप लेता। खैर यहाँ पर भाई अल्फा रोमियो से भी गाड़ी पीछे गिरती है, कोई बात नहीं इसको यहाँ पर छोड़ते भाई, लेते हैं नेक्स्ट कोई इंडियन गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं भाई साहब महिंद्रा 127 को, तो देख लेते भाई 127 का परफॉर्मेंस। बहुत सारा भाइयों का कमेंट था भाई XUV को भी लेके आओ, तो यहाँ पर गाइस आ चुका है 127।